हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड गैराज। आज हम बहुत दिनों बाद अपने गाड़ी के पास आए हैं। ये स्टार्ट नहीं हो रही। कार की हालत आप देख ही सकते हैं, एकदम डस्ट से भरी चुकी है। बहुत टाइम बाद हम आ जाए हैं कार के पास। कार के अंदर हम आ ही चुके हैं। जैसे कि आप ये लाइट देख सकते हैं, हम हॉर्न भी दबा रहे हैं तो ये लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, एंड हॉर्न भी हमारा परफेक्टली चल नहीं रहा। अब हम इसमें इसकी की लगा के एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन रहेगा इसका। क्लस्टर में लाइट्स वगैरह आ रही है हमारी सारी, एंड हमारी कार सेल्फ नहीं ले रही। ये आप देख ही सकते हैं। अब तो मैं इसके रीजंस बताता हूँ क्या हो सकते हैं, हमारी कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो सबसे पहले हमें बोनेट खोलना होगा हमारा। कार के फ्रंट साइड पे आ जाते हैं हम। सबसे ज्यादा मेन रीजन हमारी बैटरी का होता है। हमें सबसे पहले चेक करना है हमारे थिम्बल्स लूज तो नहीं है। थिम्बल्स हमारे एकदम टाइट हैं दोनों, एंड इसके बाद हमने देखना होता है कि हमारे थिम्बल्स के आसपास कार्बन ना आ गया हो। हमारे तो एकदम साफ हैं थिम्बल्स। अब इसका लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी है, क्योंकि लॉकडाउन में हमारी गाड़ी मिनिमम एक महीने से खड़ी हुई है। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने का जो रीज़न रहेगा उसका यही रहेगा, हमारी कार में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साउंड सिस्टम लगा जो काफ़ी लोड लेता है, एंड हमने हैलोजन बल्ब्स की जगह HID भी लगाई हुई है हमारी कार में। तो आपको मैं राइट तरीका बताऊंगा कि अपनी आप बैटरी घर पे ही कैसे चार्ज कर सकते हैं। हमें एक 10 नंबर की चाबी चाहिए होगी। उसके बाद ये थिम्बल्स लो। बैटरी को उतारते हुए हमने जो मेन ध्यान रखना है वो सबसे पहले हमने नेगेटिव का थिम्बल उतारना। ये हमारा पॉजिटिव का एंड ये वाला हमारा नेगेटिव का रहेगा। ये नेगेटिव का हमने लूज कर दिया, पॉजिटिव का भी कर दिया। अब हमने सिंपली हमारी बैटरी उठा लेनी है। बैटरी की हमारी वोल्टेज 14 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए तो हमारी बैटरी एकदम सही होती है। हम बैटरी चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। हम इससे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। हम एक मल्टीमीटर के यूज़ से पता लगाएंगे हमारी बैटरी क्या वोल्टेज दे रही है। ये नेगेटिव पॉजिटिव थिम्बल का आपने ध्यान रखना। ये आप देख सकते हैं हमारी बैटरी इस वक्त 11 वोल्ट दे रही है, इसको 14 वोल्ट देना चाहिए। अब हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। आपको मैं राइट तरीका बताऊंगा आपको कैसे चार्ज करना है इसको। हम एक 3 एम्पेयर का बैटरी चार्जर यूज़ कर रहे हैं। 20 और अगर आप अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो ये जो इनके कवर हैं ये उतार लें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। हमने आराम से ज़्यादा फोर्स ना लगाए, हल्के हल्के हाथ से इनको उतार लेना, बिल्कुल ऐसे ही। ये कवर्स हम इसलिए उतारते हैं क्योंकि हम जब भी बैटरी चार्ज करते हैं, अगर हमारा बैटरी का कोई भी सेल खराब हुआ तो जब बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद उसमें बबल्स आएंगे इन सब में। अगर किसी सेल में बबल्स नहीं आ रहे उसका मतलब कि वो सेल खराब है एंड हमारी बैटरी डेड हो चुकी है। एंड ये कवर्स उतारने का ये बेनिफिट रहता है कि हमें पता लगता है हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है कि नहीं। जैसे हमारे ये थिम्बल्स हैं एकदम सारे वाइट हैं, अगर कोई हमारा सेल ख़राब हुआ तो एकदम वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। चलो अब हम इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। ये हमारा बैटरी चार्जर ऑन हो गया। हम इस चार्जर को हाई पे करके यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी बैटरी बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज है, सेल्स भी नहीं ले पा रही हमारी कार। हमें सबसे पहले पॉजिटिव वाले थिम्बल पे बैटरी चार्जर लगाना। हमारी बैटरी न्यू है इसलिए हमें इसको क्लीन करने की नीड नहीं है। अगर आपकी बैटरी पे कार्बन वगैरह जमा है तो आप एक टूथब्रश की मदद से उसको एकदम क्लीन कर सकते हैं, एंड एक क्लीन क्लॉथ की मदद से उसको ऐसे साफ भी करना है हमने लगाने से पहले। अब हम बैटरी चार्जिंग का लगा लेते हैं। तो हम जैसे ही नेगेटिव का थिम्बल लगाएंगे ये वाला मीटर हमें एक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर हमारी सुई एकदम 4 पे हुई इसका मतलब हमारी बैटरी बिल्कुल ही डेड है। अगर हमारी बैटरी की ये वाली जो सुई है हमारे मीटर की
अगर ये सेंटर में स्टैंड करती है मतलब बैटरी को चार्ज करने की नीड नहीं है। लगा के देख लेते हैं, एक स्पार्क आएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बैटरी हमारी काफ़ी वीक है, स्पार्क भी बड़ा लो आया हमारा। मीटर की सुई हमारी 3 पे है। अब हम इसे एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए लगा के छोड़ देंगे एज इट इज़। अब देख सकते हैं कि हमारी जो मीटर था वो हमारी 3.5 से 2 तक आ गई है हमारी मीटर की सुई, एंड हमारी बैटरी जो है वो फुली चार्ज हो चुकी है। अब हम इसको अपनी कार में लगा लेंगे। कार की हमने बैटरी अपनी जगह पे रख ली है। बैटरी लगाने से पहले आपका ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज कार से तो नहीं अल्टरनेटर ख़राब हो गया, तो यहाँ मल्टीमीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं। हमारी बैटरी अभी 14 वाट्स दे रही है, मैं मल्टीमीटर से चेक कर चुका हूँ। बैटरी लगाने के लिए मेक श्योर कि पहले पॉजिटिव वाला आप टर्मिनल लगा रहे हैं। एकदम परफेक्टली इस पर बैठ गए, एंड ये लगाने से पहले हमारे थिम्बल पे बिल्कुल भी कार्बन नहीं था। अगर आप पे कार्बन है तो मैं उसकी एक अलग वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि वो अच्छे से कैसे साफ कर सकते हैं। पहले हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाना, उसको उसको अच्छे से टाइट कर लेना। दस नंबर की हमने चाबी यूज करी थी। थिम्बल आप जब भी टाइट कर रहे हैं ध्यान रखना, अगर ये टाइट हो गए हैं आपने एक लिमिट में इसको टाइट करना, अगर आप ज़्यादा टाइट करोगे तो ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं हमारे। एंड ये वायरिंग आपकी कार में नहीं होगी क्योंकि मैंने अपनी कार में एम्पलीफायर लगाया हुआ, उसकी वायरिंग जा रही है। आपका बस ये वाला थिम्बल होएगा, एकदम अच्छे परफेक्टली हमने लगा लिया, ऐसे आपने फॉलो करना है इसको। अब हम नेगेटिव का टर्मिनल लगाएंगे, पहले पॉजिटिव का फिर नेगेटिव का। ऐसे करके हमने दोनों थिम्बल एकदम टाइट कर लेने हैं। अब अपनी कार हम स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हो पा रही है या फिर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर अब हमारी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें बैटरी चेंज करनी होगी या फिर हमारी कार का अल्टरनेटर चेक करना होगा मल्टीमीटर से कि हमारी बैटरी को चार्जिंग दे भी रहेगी नहीं। चलो कार के अंदर जाके स्टार्ट करके देखते हैं। कार के अंदर हम आ चुके हैं, अब की लगा के एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। लाइट्स हमारी सारी क्लस्टर पे आ रही है, हमारा स्टीरियो भी ऑन हो गया पाइनर का। कार हमारी आप देख सकते हैं एकदम हाफ साल स्टार्ट हो चुकी है। कार की अगर आपकी ऐसे बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप ऐसे राइट वे से एकदम ठीक कर सकते हैं। लाइट्स, हॉर्न्स, अगर हम हॉर्न बजा रहे थे पहले तो हमारी लाइट भी फ्लक्चुएट कर रही थी, हॉर्न की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब हमारा हॉर्न भी एकदम बढ़िया चल रहा है, लाइट भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही। HID हेडलाइट्स है हमारी, हमने वो भी चला ली हैं। अभी भी हॉर्न मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैटरी हमारी एकदम परफेक्टली चार्ज हो चुकी है, एंड अगर आप बैटरी चार्ज करके अपनी कार में लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि सारी लाइट्स वगैरह आप ऑफ कर दीजिए, एंड 10 मिनट के लिए आप अपनी कार स्टार्ट रखिए या उस पर राउंड मार लीजिए, ताकि कार का जो चार्जर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो बैटरी वो एकदम फुल टॉप अप चार्ज कर देगा। जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है अपने घर के इन्वर्टर से भी कर सकते हैं। जो हमारी बैटरी जा रही होती है उसमें जो वायर्स होती हैं हम सीधी बैटरी में लगा सकते हैं। एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ऐसे कोई और न्यू तरीके जानना चाहते हैं हम अपने घर पर गाड़ी कैसे सही कर सकते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके आप ज़रूर बता सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से वर्क कर रही है। Thank you guys for watching.